नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 20 नवंबर 2021 को सीबीटी की बैठक संपन्न हो चुकी है। दोस्तों सीबीटी की बैठक में ईपीएफओ से रिलेटेड बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं और हम लोगों को उम्मीद भी रहता है कि हमें कोई नई खुशखबरी देखने को मिले। तो दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल आई है, जो पीएफ खाता धारक है उनके लिए खुशखबरी है। तो चलिए हम आपको अपने लैपटॉप लेके चलते हैं और देखते हैं क्या है खुशखबरी। तो मेरा नाम गुरुदयाल है और आप देख रहे हैं सुपर ज्ञान चैनल। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन के बटन को दबा दे ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने नौकरी पेशा लोगों को राहत देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। इसका सबसे ज़्यादा फायदा प्राइवेट नौकरी करने वाले को मिलेगा। ईपीएफओ बनेगा एडवांस। ईपीएफओ ने एक ऐसा एसआईटी सिस्टम को मंजूरी दी है जिसकी वजह से एम्प्लॉयर को नौकरी बदलने की स्थिति में पुरानी कंपनी के ईपीएफ की रकम को नई कंपनी में खुले ईपीएफ के खाते में ट्रांसफ़र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वे स्वयं ही एम्प्लॉयर के नई खाते में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ईपीएफओ के लिए अंतिम फैसला लेने वाली इकाई सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्ट्रीज की 229वीं बैठक में निर्णय हुआ है कि जिसका सबसे ज़्यादा फायदा प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों को मिलेगा, क्योंकि इसी सेक्टर में एम्प्लॉयर अपने कैरियर को ग्रोथ देने के लिए अक्सर एक कंपनी से दूसरी कंपनी में नौकरी बदलते हैं। मौजूदा नियम के हिसाब से अगर वो ऐसा करते हैं तो उन्हें अपने पीएफ का पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए लंबी कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है। इस चक्कर में कई बार बहुत से एम्प्लॉयर पीएफ का पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि ईपीएफओ का ये फैसला एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों यहाँ पर ईपीएफओ एक ऐसा आईटी सिस्टम बनाया जाएगा ईपीएफओ द्वारा, जिसके जरिए ईपीएफओ के सिस्टम से जितने भी कर्मचारी एक जगह से दूसरी जगह नौकरी छोड़कर, जैसे पुरानी जगह से नौकरी छोड़कर नई जगह पर नौकरी करते हैं, तो उसका पीएफ नंबर नया जनरेट कर दिया जाता है। तो उनका जो पुराना पीएफ अकाउंट होता है उसे नए प्रेजेंट पीएफ अकाउंट यानी कि नए पीएफ अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होता है, तभी जाके उनका पीएफ ट्रांसफ़र होता है। लेकिन ईपीएफओ द्वारा एक ऐसा आईटी सिस्टम जनरेट किया जा रहा है जिससे कि जो व्यक्ति नौकरी छोड़कर किसी दूसरी कंपनी में अगर नौकरी करते हैं तो उसका पीएफ ऑटोमेटिकली ही दूसरी पीएफ अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, उसे किसी भी तरह की कागजी कार्रवाई करने की जरूरत नहीं होती है। तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।